कितने लोग हैं जो दिन की शुरुआत यानी कि ब्रेकफास्ट जो है पराठों के साथ में शुरुआत करते हैं, तो आज उन्हीं के लिए लाई हूँ मैं ये अपने हिसाब से अपने घर में बनने वाले लेफ्ट ओवर राइस के ये यमी से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पराठे। एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजन किचन में आप सबका। तो आज क्या लाई हूँ मैं आप सबके लिए, थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा टेस्टी या फिर थोड़ा सा स्पाइसी। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ, पीछे बन रही है चाय मेरी गर्मा गर्म। लेकिन चाय के गैस को हम जो है सिमर कर देंगे और उससे पहले मैं खाने वाली हूँ एक यमी सा डिलीशियस सा पराठा। तो रात वाली बिरयानी हो, व्हाइट राइस हो, कुछ जब चीजें बच जाती है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना कि उसको हम जो है वेस्ट करें या डिस्ट्रॉय करें या ऐसे ही कहीं पे उसको फेंक दें, है ना। क्यों ना हम सोचते हैं कि इसका कुछ अलग सा बना के खाएं। अगर रात के नमकीन चावल या बिरयानी या कुछ पुलाव बच जाता है ना तो वापस से वही खाने का मन नहीं करता है। व्हाइट राइस भी अगर बच जाते हैं और मान लीजिए आपने दाल के साथ बनाए थे और दाल नहीं बचती है तो क्या करेंगे। तो आज ऐसे ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेफ्ट ओवर राइस की एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। और इतना यम्मी पराठा बनता है ना, एक पराठा काफी होता है वैसे मैं बताऊँ, इतना हैवी बनता है और बहुत डिलीशियस बनता है। वो पराठा मैं किसके साथ खाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और उस ब्रेकफास्ट के बाद में मैं पीती हूँ ये गर्मा गर्म अदरक और इलायची वाली चाय। चाय की रेसिपी वैसे काफी बार मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। मॉर्निंग टी तो मैंने शेयर की है, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी कि मेरी मॉर्निंग टी कैसी होती है और आफ्टर ब्रेकफास्ट कैसी टी होती है, वो मैं आने वाले टाइम में आपके साथ में शेयर कर लूंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ बात हो रही है लेफ्ट ओवर राइस को यूज करने की, तो मैं आज बनाने वाली हूँ लेफ्ट ओवर राइस से बढ़िया सा यमी डिलीशियस पराठा। कुछ अपने जो मैं मसाले डालती हूँ ना वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डाल के और किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ गैस के बर्नर को ऑन कर और इस पर रख देते हैं हम गर्म करने के लिए तवा और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये बचे हुए चावल का पराठा जब मैं बनाकर खाती हूँ तो इतना यमी और डिलीशियस कैसे बनता है, इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, सब कुछ सारे मसाले आपके घर के किचन में हैं, बस बनाने का तरीका और जो टेस्टी कैसे बनाया जाए वो सारे टिप मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। तो लगभग डेढ़ बड़ा चम्मच मेरे पास चावल बचे हैं जो कि सिर्फ एक पराठा बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास इतने ही बचे हैं और मैं जब भी पराठा खाना होता है नाश्ते में तो मैं एक ही पराठा खाती हूँ वैसे भी। तो ये हैं चावल जो पके हुए चावल हैं और रात के बचे हुए चावल हैं। और इसके अलावा देखिए अभी चावल में हम क्या क्या मिलाएंगे कि ये जो पराठा है हमारा बहुत ही यमी डिलीशियस बने। तो ये है एक पराठे का रोटी का डो यानी कि आटा, गेहूं का आटा है उसका डो है और नॉर्मल रोटी से ज़्यादा मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है लाइक, ताकि मैं पराठा बेल सकूं बढ़िया से फिलिंग कर सकूं। तो ये है नॉर्मल गेहूं के आटे का डो। तो सबसे पहले हम साथ साथ डालते जाते हैं इंग्रीडियंट्स और आपको मैं बताती जाती हूँ। तो ये हमारे जो बचे हुए चावल हैं तो इसको मैं थोड़े से बड़े बाउल में डाल दूंगी ताकि मैं सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर सकूँ। तो यहाँ मैंने आधी हरी मिर्ची काटी है बारीक बारीक और ये है फ्रेश कोरिएंडर। तो ये थोड़ा सा बर्तन बड़ा है तो मैं इसी के अंदर चावल यहाँ डाल देती हूँ ताकि मैं सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर सकूँ। नेक्स्ट इंग्रीडियंट डाल देते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ देखिए ये चिली फ्लेक्स, ये हल्का सा दो चुटकी गरम मसाला है। आप चाहें ना तो इसकी जगह पे आप पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, जिसकी भी महक आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है, आप वो डाल सकते हैं। और ये है जीरा दो चुटकी, क्योंकि हम एक ही पराठा बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर दो चुटकी जीरा ही लिया है मैंने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पराठे बनाएं और ज़्यादा चावल बच जाते हैं तो ये सारे इंग्रीडियंट्स जो है ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे जो बाकी हमारे सूखे मसाले हैं नॉर्मल जो हम हर रेसिपी के अंदर डालते हैं वो। तो देखिए सबसे पहले सूखे मसालों में मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और हल्दी वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। नमक चावल में ऑलरेडी अपना मिला हुआ है और मैंने जो आटे का डो ये गूंथा है उसमें भी हल्का सा नमक डाला हुआ है, तो नमक बहुत थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। और उसके बाद में रेड चिली पाउडर, कितना तीखा पसंद है आपको, हाफ टी स्पून डाला है मैंने एक ही पराठे के लिए। और इसके बाद में हम डाल रहे हैं जो हमारे पराठे को कुरकुरा एकदम अंदर ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनाएगा, तो ये है हाफ टेबल स्पून से भी कम बेसन।
ये बेसन भुना हुआ बेसन है, ड्राई रोस्ट बेसन है। कच्चे बेसन को मैं अक्सर जो है फ्राइंग पैन में हल्का सा 30-40 सेकंड तक भुनकर और उसको इमीडिएट उस फ्राइंग पैन से निकाल लेती हूँ ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और ये बेसन काम आता है हमें ढाबा स्टाइल सब्जियों को बनाते वक्त, क्योंकि ढाबे में अक्सर मैंने हमेशा बोला है कि बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है ग्रेवी में। तो ये भुनावा बेसन है। अगर आपके पास भुनावा बेसन नहीं है रेडी तो आप कच्चे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आधे टेबल स्पून से भी कम हमने यहाँ पर बेसन लिया है, जो कि चावल के अंदर जो नमी होगी ना वो भी सोख लेगा, सारे मसाले भी अच्छे से इसके अंदर जो है ना गीले गीले नहीं लगेंगे आपको पराठे को बेलते वक्त। तो ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं और अब इनको सबको कर देते हैं मिक्स इस तरह से। ये देखिए इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। तो अब आपको ड्राई ड्राई लग रहा है ना, थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अब हम डालेंगे इसके अंदर क्या, मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी, जिससे सभी चीज़ें अच्छी सी चिपक जाए, बस आधा टेबल स्पून। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। राजस्थान के जोधपुर शहर से हूँ, पराठों के अंदर और पराठों के ऊपर देसी घी ना खाएं हम लोग तो कैसे काम चलेगा भाई। तो हम हैं राजस्थान के जोधपुर शहर से, तो देसी घी की पहचान है हमारे शहर की। तो ये देखिए हमने यहाँ डाल दिया है हरे धनिए को, काटते वक्त यहाँ पर थोड़ी सी डंडी आ गई, कोई बात नहीं। ये देखिए कितना यमी सा लग रहा है ना, आप चाहें ना तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं गर्म करके हल्का सा। चलिए हम अभी फिलहाल बना रहे हैं आप चावल का पराठा, तो बस डो को ले लेते हैं और इसे बेल लेते हैं हम बिल्कुल पराठे की तरह। तवा भी हमारा वहाँ पर गर्म हो चुका है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने इस तरह से कभी पराठा, चावल का पराठा इससे पहले कभी इस तरह बना के खाया है। पराठे को बेल लिया है हमने, ये मेरे हाथों में हरा धनिया चिपका हुआ था वही है, आप ये मत समझिए कि मैंने आटे के डो में कुछ मिलाया है। तो अब हम डालेंगे ये हमारा राइस वाला पराठा बनाने के लिए पूरा फिलिंग डालूंगी। आप देखिएगा कि इसको बेलते वक्त क्या मेरा पराठा फट जाता है या नहीं फटता है। तो देखिए इतनी सारी फिलिंग डाली है, मुँह में अभी से पानी आ रहा है मेरे, बहुत यम्मी बहुत डिलीशियस बनने वाला है ये पराठा। और अब इस फिलिंग को कर देते हैं, इस पराठे को कर देते हैं सॉरी बंद, पानी इतना मुँह में आ रहा है कि जबान फिसल रही है मेरी कि बोलना क्या है और बोल क्या रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब ये बनेगा और कब मैं खाऊँगी, बस यही दिमाग में चल रहा है मेरे। ये देखिए और इसे बेल लेते हैं जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे को बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए हमने अच्छे से इसको बेल लिया है बिल्कुल, और अब हमारा तवा भी हो गया है गरम। थोड़ा सा तवे पे लगा देते हैं देसी घी, और गैस की आंच जो मैंने स्लो करके रखी थी उसे मैंने तेज कर दिया है। थोड़ा सा लगाएंगे हम देसी घी और इस पराठे को डाल दिया मैंने इस तवे पे। तो इस पराठे को हमने डाल दिया और अब इसका निचले हिस्से को सेकने का वेट करते हैं। जब आपको लगे कि नीचे का हिस्सा स्टेबल हो गया 20-30 सेकंड के अंदर हो जाएगा आई थिंक, तवा अगर आपका कितना गर्म है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी देर में ये स्टेबल मुझे लगता है। ये देखिए आप पराठे को देख रहे हैं, कहीं से फटा हुआ नहीं है, कहीं से चिपका हुआ नहीं है। मैं इसको कितना रफली जो है ना इस तरह से घुमा रही हूँ, ज़्यादा रफली भी नहीं घुमाना नहीं तो ये इस तरह से चावल निकल जाएंगे। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको इतना जो है ना इसके साथ में इतनी कुश्ती लड़ी है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। नॉर्मली हम इसके साथ में इस तरह की कुश्ती नहीं लड़ते हैं, तो बिल्कुल भी ये जो चावल का पराठा है कभी नहीं फटेगा आपका। आप मेरे वाले सारे इंग्रीडियंट्स इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए और इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। तो चलिए इसको पलट देते हैं, आई थिंक ये हो गया होगा पीछे से। ये देखिए लग रहा है ना यमी, ग्रीन चिली, ग्रीन कोरिएंडर और गरम मसाला, जीरा, न जाने कितने इंग्रेडिएंट्स इस एक पराठे के अंदर हमारे इस स्वाद को बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग भी जल्दी से इस पराठे को बनाकर, तो जब भी आप दाल चावल बनाएं या चावल बनाएं ना, आप ये वाली रेसिपी आप इस रेसिपी को नॉर्मल जो हम नमकीन चावल बनाते हैं, हम जो बिरयानी वगैरह बनाते हैं वो भी अगर बच जाती है ना तो आप उसे भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको लेफ्ट ओवर राइस और लेफ्ट ओवर दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, वो भी बहुत यमी बहुत डिलीशियस है।
तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप लोग वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मुँह में पानी आ गया, रियली मेरे मुँह में पानी आ गया, और अब ये पक चुका है और बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है। मैं अब डालूंगी इसके ऊपर खूब सारा घी, क्योंकि जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से, तो देशी घी के बगैर कुछ चीज़ें तो हम खाते ही नहीं हैं, तो थोड़ा सा देशी घी एक्स्ट्रा वाला बनता है। तो चलिए सर्व करते हैं। गैस के बर्नर को मैंने ऑफ कर दिया, आपने देख लिया होगा, और ये मेरा कुरकुरा सा जो पराठा है इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि कितना यमी, कितना डिलीशियस है ये अंदर से भी। और देखिए कहीं से भी कोई फीलिंग बाहर आ रही है, ये भी नहीं आती अगर मैं इसके साथ में कुश्ती नहीं लड़ती ना आपको दिखाने के लिए, तो ये वाला भी बहुत अच्छा बनने वाला था। तो चलिए, आप लोग कब बना रहे हैं चावल वाले ये पराठे, पके हुए चावल, बचे हुए चावल, या जानबूझकर आप इन चावलों को ज़्यादा बनाने वाले हैं इस तरह के पराठे खाने के लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए ये मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, और मैं इसे खाने वाली हूँ ठंडे ठंडे दही के साथ भुने हुए जीरे को थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल करके। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह के, जब भी राइस, बिरयानी, पुलाव कुछ भी बच जाता है ना, तो इस तरह के पराठों में कम ज़्यादा मसाले अपने हिसाब से करके आप इसे बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ हॉट टेस्टी स्पाइसी स्वाद लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।